अभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज शाम की आंगनबाड़ी खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि विधानसभा में प्रथम सत्र 2024 का अभी जब शुरू हुआ है, तो इसमें सरकार के सामने कुछ सवाल रखे गए हैं जो कि संविदा कर्मियों को लेकर के हैं और आउटसोर्सिंग कर्मियों को लेकर के हैं, जिनमें सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार जो है क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संविदा प्रणाली या आउटसोर्सिंग के रूप में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको स्थायी करने के लिए सरकार की कोई नीति है। जिस पर सरकार का जवाब आया है वो आपको बताएंगे, यदि हाँ तो उक्त का विवरण क्या है वो पूछा गया, यदि नहीं तो क्यों ये भी पूछा गया, और साथ ही ये भी पूछा गया क्या सरकार प्रदेश के जो संविदा कर्मी हैं और जो आउटसोर्सिंग कर्मी हैं इनके हितार्थ नियमावली बनाने पर क्या विचार करेगी, तो इस पर भी सरकार के जवाब आए हैं, यदि नहीं तो क्यों, ये सब पूछा गया। आइए देखते हैं इन महत्वपूर्ण चीजों पर सरकार का आखिर क्या जवाब रहा। जबकि आप सबको समझना चाहिए और समझना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में 2017 में किस तरीके से भाजपा पार्टी ने आंगनबाड़ी बहनों को भी सपने दिखाए थे, नियमावली में संशोधन करने की बातें कही गई थी कि आंगनबाड़ी बहनों का हम मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करेंगे, सेवा शर्तों में सुधार करेंगे, जबकि उन्होंने किया नहीं। तब जब करना ही नहीं जब, तो ऐसे वादे क्यों जनता के साथ किए जाते हैं, कर्मचारियों के साथ किए जाते हैं, और जब यही कर्मचारी अपने उन वादों को पूरा कराने के लिए सड़कों पर आते हैं तो इनको फिर जो है कहीं एस्मा लगा करके तो कहीं किसी तरीके से उनको डराया जाता है कि वो प्रदर्शन सरकार के खिलाफ ना करें, जबकि वो कर्मचारी सरकार के द्वारा ही किए गए वादों को पूरा कराने को लेकर के संघर्ष करते हैं। तो आइए देखते हैं विधानसभा में प्रथम सत्र में क्या पूछा गया और उस संबंध में सरकार का जवाब क्या रहा। पहला सवाल कि क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संविदा प्रणाली आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए सरकार की कोई नीति है, जिस पर सरकार का जवाब है उत्तर प्रदेश का, देखिए, संविदा कर्मियों को विनियमित किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर है। समूह गा और समूह घा के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 2016 प्रख्यापित की गई है, जिसमें दिनांक 31 दिसंबर 2001 को या उससे पूर्व समूह गा और समूह घा के पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर हैं, जिस पर दैनिक वेतन, मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर सीधे लगे हुए या नियोजित या अभिनियोजित या कार्यरत ऐसे व्यक्तियों को जो प्रश्नगत नियमावली के प्रारंभ के दिनांक को उस रूप में लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो उसको विनियमित किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये बातें लिखी गई, आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मिकों को स्थायी करने की कोई नीति नहीं है, साफ शब्दों में भी सरकार का ये कि उत्तर प्रदेश में दिया गया है, साफ आप देख सकते हैं लिखा गया कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के रूप में कार्यरत कर्मियों को स्थायी करने की सरकार की कोई नीति नहीं है। और इसमें पूछा गया यदि हाँ तो उक्त का विवरण क्या है, तो उन्होंने उपरोक्ता अनुसार लिख दिया, जो ऊपर ये चीजें दी हैं उसी का अनुसार समझ लीजिए, यदि नहीं तो क्यों इसमें भी उपरोक्ता अनुसार लिख दिया गया, यानी जो ऊपर उन्होंने लिखा वही इनका जवाब इस मामले में है, कारण उन्होंने ये यहां पर बताए हैं इस चीज के कि क्यों आखिर लोगों को नहीं किया जा सकता। अब आप देखिएगा जब भी कोई नियम कायदे बनाने होते हैं तो सभी पक्ष विपक्ष के सब नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं, और ऐसे में कोई भी नियम लाना हो उनके खुद के फायदे के लिए तो वो चट्ट से पास हो जाता, सब कुछ नियम कायदे बन जाते, हर तरह के संशोधन हो जाते। वहीं जब बातें कर्मचारियों के हक की आती हैं, मेहनताना देने की आती हैं, तो यहाँ पर नियम कायदों का पाठ सिखाया जाता है। इधर देखिएगा अगला जो प्रश्न रहा, क्या सरकार प्रदेश के जो संविदा कर्मी हैं, जो आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, उनके हितार्थ नियमावली बनाने पर विचार करेगी, ये भी पूछा गया कि क्या विचार करेगी, यानी भविष्य के लिए पूछा गया।
कर रहे हैं नहीं है इस बात का। यहां पर ध्यान देना, क्या सरकार प्रदेश के संविदा कर्मियों आउटसोर्सिंग कर्मियों के हितार्थ नियमावली बनाने पर विचार करेगी, जिस पर भी जवाब क्या रहा, जी नहीं। साफ शब्दों में लिख दिया जो है सरकार ने कि जी नहीं उत्तर दे दिया, यानी भविष्य में भी सरकार विचार नहीं करेगी संविदा कर्मियों को आउटसोर्सिंग को उनकी नियमावली बनाने पर। ध्यान देना इस बात का, क्योंकि पूछा गया है क्या जो इन चीजों को लेकर नियमावली बनाने पर विचार करेगी, तो आगे भी सरकार नहीं करने वाली, जिसको लेकर के लिख दिया जी नहीं। साफ शब्दों में ये यहां पर उत्तर आया है उत्तर प्रदेश से, यदि नहीं तो क्यों, जिस पर इनका क्या कहना, सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लिए जाने वाले कर्मी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मी नहीं है। बताइए तो भाई, राज्य सरकार इन लोगों को इस तरह संविदा के तौर पर क्यों ले रही है, काम आप वही करवा रहे हो, इनको ले रहे हो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, लाभ देना ना पड़े इस वजह से, बेरोजगारी के इस दौर में पक्का रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और 2014-15 में ढिंडोरा पीट रहे थे 3 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ लोगों को रोजगार बांट रहे थे, आज तक कितने लोगों को मिल गया ये भी ऐसे ही दिख रहा है, जो कि रोजगार की श्रेणी में भी ढंग से नहीं आते, किसी तरह की कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते, सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से वो लिए जा रहे हैं, और ऐसे लोगों को बता रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मी नहीं है ये लोग। तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नहीं है, लेकिन काम सभी राज्य सरकार के करेंगे, देश प्रदेश के करेंगे, लेकिन वो उनके द्वारा नियुक्त कर्मी नहीं है, काम उनसे बस लिया जाएगा, ये कहां का न्याय है। जनता कर्मचारी अपने चीजों को लेकर के प्रयास कर रही है, मांग कर रही है, जिसको लेकर के इस तरह के जवाब आते हैं, जबकि नेताजी स्वयं के लिए बहुत सारे नियम बना लेते हैं। एक बार मंत्री बन गए, एक बार नेता बन गए, पेंशन बन गई, आजीवन मिलती रहेगी। दो बार बन गए तो पता चला दूसरे पद का भी पेंशन मिलना शुरू हो गया। यहां पर बेचारा कर्मचारी, खुद की पुरानी पेंशन बंद कर दी गई, नए में रोजगार में भी अब लांदे पड़े हैं। यहां पर आप देखिए, सर्विस ठेके के रूप में ली जा रही है, यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से पहले भर्ती कर लो, पक्का रोजगार भी ना दो, और ऊपर से जो है यहां पर ये जवाब दिए जा रहे हैं विधानसभा में। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, जिनका ये उत्तर प्रदेश में उत्तर रहा, उत्तर प्रदेश के लिए जिसका नाम एक उत्तम प्रदेश भी कभी था। अब सोचिए, उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं किसके लिए, स्थायी कर्मचारियों के लिए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, जो बेचारे चंद पैसों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनकी अब उनको स्थायी करने को लेकर के मांग कर रहे हैं, और वो अपना पूछ रहे हैं कि हमारी कोई जो है नियमावली वगैरह कुछ बनाई जाएंगी, जिस पर भी सरकार का साफ शब्दों में जी नहीं कह देना, कितना जो है यहाँ पर ये जो है साबित करता है कि सरकार का रुख कैसा है इन लोगों के प्रति। अब आप सोचिए, आंगनबाड़ी बहनों, आप सबके लिए सरकार क्या करेगी, जब हमारे यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके ही कई ऐसे बयान हैं जो आपने सुने होंगे आंगनबाड़ी बहनों को लेकर के, जब वो समूह की महिलाओं को वो संबोधित करते हैं तो किस तरह से उन्होंने संबोधित किए हैं, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों को न जाने क्या क्या तक जो है कहा, और कई बहनों को जो है इस बात का काफी दुख भी हुआ। और ऐसे में अपना वोट तो नेता साधते रहते हैं हर जगह जा जा करके, जहां समूह की महिला दिखे वहां समूह के गुणगान, जहां आंगनबाड़ी का वोट लेना हो वहां प्रदेश के प्रधानमंत्री जी आंगनबाड़ी को सरकार का दर्जा दे देते हैं, जहां आंगनबाड़ी खड़ी वहां सरकार खड़ी, आंगनबाड़ी को यशोदा माँ का टाइटल दे देते हैं, कभी मौसी का टाइटल मिल जाता है, ऐसे चीजें चलती हैं। कभी कहते हैं इनके लिए हम बड़े बड़े जो है डिजाइनरों से इनके लिए साड़ी मैंने तैयार कराई, और मैंने कहा उनसे कि बहुत बढ़िया तैयार करो, किसी की ऐसी जो ड्रेस नहीं होनी चाहिए, ने कितना जो है बोलते ही रहते हैं। अब ये चीजें हैं जो आपके सामने हैं, जो बयां की जा रही हैं। अब समझिए इन चीजों को, और आप अपने जो जवाब हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुख्य विकास अधिकारी जो जौनपुर के, इनके वहां से भी एक ये जानकारी आई है, और ये पत्रांक 181-94 11 जुलाई का लेटर समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी सबके लिए भेजा गया है, जिसमें जनपद के समस्त पात्र जो दिव्यांगजन हैं, इनको कृत्रिम अंग यानी सहायक उपकरण योजना से आच्छादित करने के लिए उनको चिन्हांकन करके विशेष शिविर के आयोजन किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं, हो सकता है इस काम में आपको पता चले और अपने क्षेत्र के जो लोग हों ऐसे उनकी मदद कर पाएं। इसमें बताया गया, जरा ध्यान से सुनिएगा,
कि सहायक उपकरण में क्या क्या रहेगा, जैसे कि ट्राई साइकिल रहेगी, व्हील चेयर रहेगी, बैसाखियाँ हैं, हियरिंग एड हैं, और साथ ही यहाँ पर ये सब उपलब्ध कराया जाएगा। जिनके हाथ पैर नहीं हैं उनके लिए कृत्रिम अंग और हाथ पैर वो यानी लगवाने के लिए भी 30 अगस्त 2024 तक वो सब कर लिया जाए। ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना। लिखा गया उल्लेखनीय है कि योजना ऑनलाइन स्वरूप दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेब पोर्टल जो कि divyangjan.upsdc.gov.in पर संचालित है एवं दिव्यांगजनों के आवेदन पूर्ण करा करके पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बारे में लिखा गया। तो पोर्टल पर अपलोड आवेदनकर्ताओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सहायक उपकरण क्रय करते हुए वितरण की कार्रवाई भी की जानी है, जिसमें यहाँ पर ये सब जो है शिविर की तिथियाँ दे दी गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं 16 जुलाई रामनगर विकास खंड है, ऐसे ही फिर केराकत में 19 जुलाई और मुंगरा बादशाहपुर वगैरह में 20 जुलाई, बदलापुर में 24 जुलाई, सिकरारा वगैरह में 26 जुलाई, मड़ियाऊ में 27 जुलाई, जलालपुर में 30 जुलाई, शाहगंज में 31 जुलाई, सुजानगंज में 1 अगस्त, सिरकोनी में जो है यहाँ पर 7 अगस्त, बक्सा में 8 अगस्त, डोभी में 9 अगस्त, बरसठी में 14 अगस्त, रामपुर में 16 अगस्त, खुटहन में 21 अगस्त, मुक्तिगंज में 23 अगस्त, मछली शहर में 29 अगस्त और करंजा कला वगैरह में 31 अगस्त, महाराजगंज में 5 सितंबर, धर्मापुर में 6 सितंबर और सुईथा कला वगैरह में 11 सितंबर। इस तरह से ये तारीखें दे दी गई हैं विकास खंडों की, वहाँ पर ये होने वाला है। अब इसमें क्या क्या है, पहचान प्रमाण पत्र आधार कार्ड के रूप में आपका जो है नहीं उसका लाभार्थी का लगेगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा जो भी जारी हो, न्यूनतम 40% दिव्यांगता जरूरी है और उसके ऊपर अगर है तब भी मिलेगा, तो 40 से कम वालों को शायद नहीं मिलेगा। आय प्रमाण पत्र लिखा गया है, वार्षिक आय जो रुपये 46,080 से जो है कम होनी चाहिए, ये यहाँ पर लिखी गई है, और इससे कम हो वह राजस्व विभाग, माननीय सांसद, माननीय विधायक, खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, इनके द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण जो है पत्र जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी इनके स्तर से भी आप प्रमाण पत्र बनवा करके दे सकते हैं। एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। साई तेजा सीलम है मुख्य विकास अधिकारी, जिन्होंने अपने वहाँ से ये जारी किया है, जिसमें ये सब बातें लिखी गई हैं। प्रचार प्रसार करने को लेकर के इसमें कहा जा रहा है कि लेखपाल, प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, रोजगार सेवक, सफाई कर्मचारी, इन सबके माध्यम से प्रचार प्रसार इस योजना का वहां पर कराया जाए। शशिकला बहन ने जानकारी प्रसारण के लिए भेजी थी। वहीं दोस्तों आगे आपको बता दें, सुमन देवी बहन जसपुर से हैं। उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना चलती है, जिसके बारे में मैंने हाल ही में एक वीडियो दिया था और सब कुछ बताया था। नंदा गौरा योजना 12वीं उत्तीर्ण बालिकाओं के लिए ऑनलाइन अपलोड करने हेतु आवश्यक जो वांछित अभिलेख हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जैसे कि आय प्रमाण पत्र मासिक 6,000 रुपये जो है या उससे कम का होना चाहिए, ठीक, यानी 72,000 से कम का आय होना चाहिए टोटल वाला, ठीक। और इसके बाद हाई स्कूल का प्रमाण पत्र अथवा जन्म प्रमाण पत्र लगता है, और इसमें आय प्रमाण पत्र बालिका के पिता के नाम से बन करके लगेगा, इस बात का भी ध्यान दें। साथ ही इंटर उत्तीर्ण अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र माता पिता एवं बालिका तीनों का स्थायी निवास और तीनों का पैन कार्ड, तीनों का आधार कार्ड, ये सब लगता है। बालिका का अपना खाता आधार से लिंक होना भी अनिवार्य है। 51,000 रुपये की धनराशि आ सके, खाता जनधन खाता ना हो ये भी बात का ध्यान रखें। पासबुक की प्रति और एक यानी फोटोकॉपी, विगत एक वर्ष का बैंक का स्टेटमेंट भी लगता है, स्टेटमेंट बैंक से ही आपको मिल जाएगा या कुछ बैंकों का आप स्वयं से भी डाउनलोड कर सकती हैं, जैसे कि इंडियन बैंक का इंड पे ऐप आता है, उसके थ्रू भी स्टेटमेंट निकल आता है पीडीएफ के रूप में, और बाहर से आप उसका फोटो निकलवा सकते हैं। बाकी और बैंकों का पता करना, और बैंक वाले भी आपको दे देंगे जब एप्लीकेशन लिख करके आप उनको देंगे। परिवार के समस्त सदस्यों के खातों का विगत एक वर्ष का बैंक स्टेटमेंट, विगत तीन बार का बिजली का बिल उसकी प्रति और एक बार पानी के बिल, गृह कर की प्रति वो सब लगती है, सामाजिक आर्थिक वाला प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, ये सब बातें बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। आंगनबाड़ी बहन के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र पोर्टल से वो निकालना है, ऐसे बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। पहले भी मैं इन चीज़ों को बता चुका हूँ, इसलिए खुशनामती सिद्धार्थनगर से हैं, उन्होंने अपने वहाँ से कहा है कि भैया जी जो है मेरा सहायिका से कार्यकर्ती में प्रमोशन हुआ है, लेकिन मानदेय सहायिका वाला ही आ रहा, तो परेशान ना हो, जो है अभी सबका यही हाल है। इन्होंने फिर कमेंट किया था, पहले कल भेजा था वही 8:42 पर शाम के टाइम,
फिर सुबह भी इन्होंने मैसेज किया 9:19 पर। तो आप परेशान ना हो, सबका यही हाल है। अभी सहायिका वाला ही पैसा आ रहा है उनका, क्योंकि मैंने बताया था अभी कुछ चीज़ें हैं वो हो जाने, जब हो जाएंगी यानी विभाग में पोर्टल वगैरह पर, तब वो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो खबरों को देखते रहिए, जानकारी आपको सब मिलती रहेगी और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।